Assalamu like alaikum students, kaise well I am fine thank you and we were discussing uh, types of print media in fact we have been uh, it is a part of our uh, continued talk on uh, the emergence of print media particularly after the printing press was available and uh, there was a boost to publications. The books were published so rapidly and in that massive scale. Then, obviously, the beginning of the 17th century, the first decade, saw the appearance of first newspaper, relation. We have more proof of relation that it appeared in 1605. Some people say there were other papers as well, but relation has got more proof. I don't believe someone has got the copies of the very first publication of the paper because no one would have thought at that time, students in 1605, that the things they are publishing today would be a matter of uh, some great archives. So, uh, no one would have bothered to save those copies. There, there must be very few as well. But now we have got the proof that the first पब्लिकेशन वी कैन लेबल एज न्यूज पेपर अपियड इन सिक्सटीन हंड्रेड एंड फाइव एंड फ्रॉम देर ऑन नो लुकिंग बैक फिर पीछे मुड़ने का कोई सवाल यह नहीं था उसके बाद जो अखबार की सनत थी वो बढ़ती चली गई और फ्लोरिश होती चली गई और एक के बाद एक अखबार निकलता चलेगा ये तो हम इसका जिक्र करते आए लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि आखिर ऐसा अखबारों में क्या चीज आई कि दो तीन सौ साल के अरसे में अखबार और न्यूज मीडिया जिसे हम प्रिंट मीडिया बहुत लंबा कहते रहे ऐसी क्या बात थी कि ये दुनिया में इतनी अहमियत इख्तियार कर गई और भी बहुत सारी चीजें इजाद हुई इस दौरान इस दौरान बहुत सारे नई टेक्नोलॉजीज सामने आई है मगर किसी की भी गिरफ्त और फैलाव इतना नहीं महसूस हुआ जितना मीडिया का ऐसा लगा कि हर शख्स की जिंदगी में मीडिया असर अंदाज़ हो रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हुतों को चैलेंज कर रहा है सो एक ऐसी चीज सामने आई तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अखबारों में ऐसी क्या चीज अपेयर हुई जिससे इस सनत ने इतना बड़ा एक शेप इख्तियार कर लिया देयर मस्ट बी समिंग वेरी कॉन्क्रीट Which made this print industry so enormous, so powerful, and so meaningful, serving the society, the cultures, the governments, the people, and obviously providing tens of thousands of jobs. Jo hamne noticed, hamne isko dekha ke, iske content स्टार्टेड अपियरिंग इन द न्यूज़पेपर्स पेपर जी कोई ऐसा नहीं था कि कोई सिर्फ अखबारों में किताबों की तरह कोई फिलोसॉफिकल आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं और कोई साइंटिफिक चीजें हो रही जैसे किताबों में पहले होता था जब अखबार किताबों से उसकी एडवांस फॉर्म में आए बुक्स होती थी बुक्स और तरह से लिखी जाती थी पहले सोचा जाता था उसका आइडिया होता था फिर उसके शुरू करने का एक बड़ा स्लो सा अंदाज था उसका एक दिबाचा लिखा जाता और अक्सर लोग किताब लिखते हुए और आजकल भी किताब लिखते हुए बहुत सारे लोग इस चीज का इजहार करते हैं कि उन्हें किताब लिखने का ख्याल क्यों कराया वो इसी में आठ नौ तो किताब के गुजर जाते हैं कि कैसे लेकिन अखबार में ऐसा नहीं था डायरेक्ट टॉक यू जस्ट ओपन द न्यूजेपर एंड न्यूज आइटम स्टार्टेड

एक्टिविटीज पॉलिटिशियंस के साथ जो होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ पार्लियामेंट्स के साथ गवर्नमेंट्स के साथ इसमें अमूमी दिलचस्पी का एलिमेंट शायद शुरू से ही ज्यादा था लोगों की ये बड़ी खास रहती थी कि वो ये जाने कि जो लोग उन पर हुकूमत कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं वो क्या कहते हैं उनके फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं क्या वो उनके काम आ सकते हैं या लोग उनसे क्या काम ले सकते हैं ذاتی या इजतमाई ये एक साइकी जरूर अवाम में रही जिसकी वजह से अखबारों में जो कंटेंट था पोलिटिकल वो ज्यादा होना शुरू हो गया आज भी आप उठा के देख लीजिए अखबार कोई भी सियासी खबरों से भरे होंगे दो ही तो क्राइम की और सियासत की खबरें होती सियासी खबरों ने बहुत डोमिनेट किया और शुरू शुरू में पहले सौ दो सौ साल तो पोलिटिकल खबरों ने बहुत डोमिनेट किया उसके बाद में कुछ असरात भी आए जिसका आज आपके साथ जिक्र भी होगा फिर हमने देखा कि सियासत के अलावा जब थोड़ा सा अखबारों ने अपनी एक जगह बनाई और एहसास हुआ कि यह जो अब पब्लिकेशंस का सिलसिला चल निकला है अखबार की शक्ल में इसमें और भी गुंजाइश है पॉलिटिक्स के अलावा हैव मोर मोर कंटेंट टू डिस्कस और मेंशन इन देयर डेली पब्लिकेशंस लाइक एक्टिविटीज क्योंकि बिजनेस फैलना शुरू हो गया इंडस्ट्रियल प्रोसेस बड़ी तेजी से गेयरअप होना शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जमाना आ गया और मूवमेंट ज्यादा हो गई फिर रेल इजाद हो गई फिर बिजली इजाद हो गई तो लोगों की मूवमेंट भी ज्यादा होगी, तो बिजनेस एक्टिविटीज जो थी वो ज्यादा हो गई बल्क प्रोडक्शन शुरू हो गई फिर उनकी मार्केटिंग के इश्यूज सामने आ गए, तो बिजनेस का जो स्केल था वो बढ़ गया तो अखबारात ने बिजनेस की खबरों को खसूसी तौर पर अपने कॉलम्स में लेना शुरू कर दिए पॉलिटिक्स के अलावा बिजनेस के अलावा जो एक एरिया बहुत दिलचस्पी का बायस बना आज भी उतनी ही दिलचस्पी का है क्राइम रिपोर्टिंग क्राइम के इवेंट को लोगों को बताना अब क्राइम की रेंज बहुत ज्यादा एक तो क्राइम ये है कि आपने किसी को ऑफेंड किया और एक ये है कि हादसा हादसात और क्राइम इनके अंदर अवामी दिलचस्पी का अंसर इतना ज्यादा है लोगों की बहुत क्यूरियासिटी होती है You are always curious to find out if there is some fight, there is some killing, there is uh, some tiff going on between two tribes, two clans, or people from two different areas, or if there is some accident. People are always keen to find what had happened. तो अखबारा ने न्यूज पेपर जो थे उन्होंने इसको बहुत जल्दी ऑप्ट कर लिया और क्राइम की क्राइम की खबरों का यह आलम हो गया कि क्राइम की स्पेशलाइजेशन शुरू हो गई अखबार के अंदर ऐसे लोगों को इंप्लॉय किया गया जो सिर्फ क्राइम की रिपोर्टिंग के बारे में लिखेंगे उसके बारे में सोचेंगे उसके बारे में वो इन डेप्थ स्टडीज करेंगे और क्राइम की एक स्पेशलिटी सेट होगी जैसे बिजनेस की हो गई जैसे पॉलिटिक्स की होगी हम बात कर रहे हैं कि क्या अखबारात में कंटेंट अपीयर हुए जिससे अखबारात में इतनी दिलचस्पी पड़ी उसके बाद हमने जिक्र किया था कि कुछ कल्चरल हवाले से अखबारों में चीजें अपीयर होना शुरू हो गई क्योंकि एक वक्त आया आज से दो ढाई सौ साल पहले जैसे हमने कहा कि जब रेल का वजूद आया तो लोगों की जो मूवमेंट थी एक इंटरनेशनल बॉर्डर वो खासी बढ़ गई और लोगों ने एक इलाके से दूसरे इलाके में ज्यादा ट्रेवल करना शुरू कर दिया एज कम्पेयर टू पास्ट पहले तो घोड़ों पे बैठ के घोड़ों कैरिज पे बैठ के आप कभी कबार किसी को मौका मिलता कि वो ट्रैवल करें जिसको हम समझते हैं इन सेंस कि आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के क्रॉस जाएं और वहां पे ओवरनाइट स्टे करें ये बहुत कम था जब तक घोड़ों पे ट्रांसपोर्टेशन की रिलायंस थी सिर्फ नोबेल्स का नोबेलिटी के हद तक ये बड़े जागीरदारों के उमरा का एक एरिया था अवी सतह पर ऐसा नहीं था लेकिन जब रेल आ गई तो उसके बाद फिर अवमी स्तर पे बढ़ना शुरू हो गया तो जब ये बढ़ना शुरू हो गया तो जाहिर कल्चरल क्रॉस कल्चरल टॉक भी शुरू हो गई ये भी बहुत इंटरेस्टिंग थी आपके इलाके में लोग कैसे रहते आपके इलाके में मकान कैसे आप लोग कैसा लिबास पहनते पीपल स्टार्टेड टॉकिंग ऑन दीज इस टॉक ऑफ डेली एक्टिविटी बन गई क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कल्चरल एमेलगमेशन शुरू हो गया अखबार के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि वो बलि बात करें जो लोग खुद भी कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स का कंटेंट आ गया अखबारों में बिजनेस का आ गया क्राइम का आ गया कल्चरल एक्टिविटीज का आ गया और इसके साथ ही साथ लेटर स्टेज में स्पोर्टिंग इवेंट्स का पहले स्पोर्ट्स भी बहुत महदूद होती थी और राजाओं महाराजाओं के हवाले से स्पोर्ट्स को जाना जाता था लेकिन फिर क्या इन द लेटर पार्ट ऑफ दिन सेंचुरी वी फाइंड ट वेरी ऑर्गेनाइज स्पोर्टिंग इवेंट स्टार्ट इंगस ओलम्पिक्स शुरू हो गए और बहुत सारे आपको जैसे हमने कहा कि क्रिकेट की हिस्ट्री भी मिलेगी उस सदी के आखिर से आपको मैचेस का रिकॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत सारी गेम जो थी ऑर्गेनाइज तरीके से एथलेटिक्स का बहुत जिक्र होना शुरू हो गया वैसे तो दुनिया के किसी किसी हिस्से में जैसे रोम में तो बहुत पुराने वक्तों से भी खेले होती थी लेकिन आवाम को इस लेवल पे उनका पता नहीं होता अखबार के आने से स्पोर्टिंग इवेंट्स के अंदर आवाम की दिलचस्पी और उनकी रिपोर्टिंग से और ज्यादा इस चीज का इजहार हुआ कि लोग जो है उसमें दिलचस्पी लें और क्या हुआ अखबार का एक रेगुलर फीचर बन गए अखबार के कंटेंट में ये चीज लाजमन आनी शुरू होगी अब अखबार में अगर स्पोर्ट्स की कंटेंट नहीं है तो अखबार के अंदर एक थोड़ा सा फीकापन महसूस इन न्यूज पेपर So was the case with the rest of the contents because people were now so addicted to going through news items of politics, of business, of culture, of crime, and sporting events. People want all these things to be put together somewhere. The newspaper stood very firm and promising in this sense to provide all these contents on few pages of paper, and it started happening daily. So that, that was the case. Where newspapers created so much interest of all and sundry from rulers down to the barber shops, wayside hotels, you would find people going through the morning newspaper. Everybody then would be talking of the events reported in newspapers. So ye Kuch the Jiski se, Itna zyada. अखबारों ने तरक्की की और उसके बाद हमने देखा कि प्रिंट मीडिया इसी हवाले से जानना शुरू हो गया उसके बाद मैगजीन्स का हमने जिक्र किया था स्टूडेंट्स आपके साथ के जब अखबार निकले तो ये देखा गया कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डेली अखबार में समाई नहीं जा सकते यू कान पुट ऑल दो इवेंट फ्राम दोज एंगल इन डेली न्यूज पेपर जैसे हमने कहा कि डायरेक्ट रिपोर्ट इन अवज पेपर उसके अंदर उसके डिटेल में जाने की गुंजाइश ही नहीं होती न्यूज लैंग्वेज इस किस्म की सारी दुनिया में किसी भी जबान में रिपोर्टिंग और न्यूज लैंग्वेज अपनी ही अंदाज की एक है तो आप क्रिकेट मैच की रिपोर्ट पाए अखबार आप में आपको डायरेक्ट रिपोर्ट मिलेगी कि क्या हुआ और बहुत सारा उसका एरिया जो है वो डेली न्यूज का हिस्सा नहीं बन पाता जैसे पार्किंग कहां पर हुई लोगों को टिकट कैसे मिले टिकट लेने में क्या दुशवारियां हुई आप गेट के अंदर से एंटर कैसे हुए और वहां पर आपने और क्या चीजें देखी मैच के अलावा अगर इतना कुछ बयान होना शुरू हो जाए तो क्रिकेट मैच की रिपोर्टिंग के लिए आपको कम से कम तीन चार सफे चाहिए इतना अखबार अफोर्ड नहीं कर सकते दे विल जस्ट गो फॉर 150 वर्ड्स 200 वर्ड्स हंड्रेड जैसे हमने कहा कि न्यूज लैंग्वेज की खूबसूरती ये है के डिस्क्राइब मैक्सिमम इन मिनिमम वर्ड्स इफ यू आर डूइंग इट यू आर एट दीक ऑफ नोइंग दिस जर्नलिस्टिक लैंग्वेज न्यूज लैंग्वेज समाइम द न्यू जो नए नए लोग आते हैं उनको इतना अबूर नहीं होता जबान में वो लंबी स्टोरी लिखते हैं एक बहुत लंबी रिपोर्ट लिखते हैं उसको फिर एडिटर्स जो है बाजूक सर पकड़ के बहुत मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं ये अखबार की दुनिया के अंदर के मामला मैग... पता चला कि अखबार के अलावा भी कोई चीज हो सकती है जिसमें ये सारी चीजें भी लिखी जा सकें जो अवमी दिलचस्पी का अंसर है तो इसके हवाले से फिर मैगजीन्स छपना शुरू हो गए मैगजीन्स क्या है पब्लिकेशन हर हफ्ते बाद हर पंद्रह दिन के बाद महीने के बाद तीन महीने के बाद इस तरह उनकी जो पीरियोडिसिटी है वो डिफरेंट होती डिफरेंट पीरियड इनको हम कहते हैं मैगजींस टॉपिक के लिहाज से डिफरेंट होते हैं कुछ अमूमी दिलचस्पी के होती है जैसे डाइजेस्ट मैगजीनस होते हैं उनमें हर तरह की दिलचस्पी की चीजें बड़ी डिटेल के साथ जो लोग ज्यादा टाइम अफोर्ड कर सकते हैं यह जिनका शौक है ज्यादा तफसील से किसी वाक्य को पढ़े उनके लिए तो बहुत हैंडी तो फैशन मैगजीन है जहरा यूथ में वो बहुत पॉपुलर है आप भी जब जाते हैं बुक स्टॉल पे तो सबसे ज्यादा नजर डालते हैं उन टाइटल्स पे जो फैशन मैगजीन के होती है स्पोर्ट्स के बहुत सारे मैगज़ीन्स आप देखते और मैगजीन्स की हमने डिस्कस किया था कि कोई ऑलमोस्ट डजन बच्चों की मैगजीन्स अलग है वेमेन के अलग है फिर प्रोफेशनल लेवल पे बिजनेस लेवल पे मैगजीन्स अलग है जैसे डॉक्टर्स के मैगजींस जो, वो वो जो है वो अलग से हैं आप देखेंगे मैगजीन्स अलग से उनके लिए बनते हैं इतनी स्पेशलिटी आ गई ओवर दैगजीन्स के एरिया में आप देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मैगजींस अलग है कार्पेट के ऊपर कितने ही मैगजीन्स आप चाहेंगे तो आपको बुक पे मिलेगी आप कराची से लेके खैबर तक किसी अच्छे बुक पे चले जाइए आपको बिजनेस मैगजीन्स मिलेंगे आजकल तो कलर का जमाना भी है बहुत खूबसूरत हो गए मैगजीन न्यूज मैगजीन्स, मैगजीन बुक्स बुक्स तो कंटिन्यू करती रही जैसे हमने कहा था कि मीडिया की स्टडी के दौरान स्टूडेंट और मैथ मीडिया की स्टडी के दौरान हमने ये चीज बहुत नोटिस की है कि जब एक ऑर्गन जो है मीडिया का उसके बाद जब कोई दूसरा चैप्टर शुरू होता है तो पहला खत्म नहीं हो जाता जैसे जब अखबार आ गए तो किताब खत्म नहीं हो जब रेडियो आ गया तो अखबार खत्म नहीं हो जब टीवी आया तो रेडियो खत्म नहीं हम ये देखते हैं कि जितने भी ऑर्गन हैं मीडिया के मैथ मीडिया के वो अपनी फॉर्म में कायम रहे बल्कि कुछ बढ़ते ही रहे जैसे हमने कहा कि देखिए किताब का मामला आज से कोई 2000 साल ढाई साल पहले का है। जब किताब का वजूद आया मगर आज भी जब टीवी आ चुका है जब मोबाइल फोन्स आ चुके हैं जब कम्युनिकेशन इतनी फास्ट हो चुकी है कि आप रियल टाइम में दुनिया के किसी हिस्से में अपने किसी चाहने वाले से बात कर सकते जो आप करते रहते इसके बावजूद किताब लिखने का शौक अभी भी कायम है बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि साहिब किताब हो जाए किताब के साथ जो इज्जत वाबस्ता है वह आज भी कायम है इस तरह लोग आज भी ख्वाहिश रखते हैं कि क्यों ना अखबार में लिखा जाए इफ दे हैव दोटेंशियल इफ दे है टैलेंट इफ देव द स्नै अखबार में लिखा जाए तो लोग लिखते हैं बहुत सारे आप देखेंगे कि लोग बैंक में काम कर रहे हैं मगर अखबार में भी लिख रहे हैं कुछ लोग जो है वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं मगर उनको शौक है कि वो अखबार में भी लिखें कुछ लोग जो है वो किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं मगर आप देखेंगे कि उनके कॉलम जो है वो अखबार में अपियर होते हैं तो ऐसा नहीं हुआ कि टीवी के आने के बाद लोगों ने सोचा हो कि अब अखबार में लिखने का क्या फायदा कौन पड़ेगा ऐसा नहीं एक ऑर्गन के नए ऑर्गन के आने से दूसरे ऑर्गन जो है थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो हो सकती है मार्केट फोर्सेस के लिहाज से मगर ऐसा नहीं कि उनका वजूद जो है वो खत्म हो जाए तो ये सारी डिस्कशन जो थी ये हमने पिछले लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत रेफरेंसेस के साथ की थी आपके पास इसका रिटर्न मैटर भी मौजूद है गो थ्रू टॉपिक दिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंट मीडिया और आज हम जो बात करेंगे वो एक्चुअली इसी की कंटिन्यूशन से जब स्टूडेंट्स मैथ मीडिया और खास तौर से प्रिंट मीडिया इतना ज्यादा दुनिया में पॉपुलर हो गया और उसकी इतनी अहमियत बन गई तो ऐसा हुआ नहीं कि इसके ऊपर कुछ क्या वो कहते हैं कि अहले हकम की नजर इनायत ना हुई या लोगों ने कुछ और चीजें भी नहीं महसूस की ये बात इतनी सादा नहीं जितनी सादगी से मैंने अभी कुछ जुमलों में आपके सामने पेश कर दी कि अखबार निकलते गए लोग पढ़ते गए काश ऐसा होता ऐसा हुआ नहीं हुआ क्या जब अखबार निकले तो इंसानों ने निकाले अब इंसानों के जो रवैये थे मुख्तलिफ सोसाइटीज में वो स्टूडेंट्स वही रहे जो नॉर्मल किसी भी इंसान के हो सकते जिस तरह उनकी सोच होती है जैसे उनकी जिंदगी के बारे में एक दूसरे के बारे में होती है वो यानी अखबार जो थे वो आ, मैं बड़ी ये सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर सकता अखबार फरिश्तों ने नहीं निकाले अखबार इंसानों ने निकाले और जब इंसानों ने निकाले तो उनके जो रवैये थे दे आर एटीट्यूड दे आर फीलिंग अबाउट अदर पीपल्स वॉज ऑलमोस्ट द ह्यूमन जस्ट एज द्यूमन बींग्स वेस्ट ऑफ द थिंग्स दे वर इन्वॉल्व in this media business. So their attitudes were the almost the same. They were from some particular culture, they were from a particular family background, they were from some particular nation. So because of their background, they had defined attitude and that was reflected in the publications they were handling over the centuries. जैसा हमने थोड़ा सा जिक्र किया था आपके साथ कि जब अखबार निकलने शुरू हुए तो जाति तौर पे भी बहुत सारी चीजें अखबारों में आना शुरू हो गई मसला किसी ने किसी की जात के हवाले से कोई बात लिख दी ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि बहुत हाई लेवल पे और रिफाइंड फॉर्म में जर्नलिज्म शुरू में और प्रिंट मीडिया शुरू में था ऐसा नहीं था इसको बहुत अरसा लगा यूं चिजल होने में और रिफाइन होने में अगर हम ये समझे कि ये रिफाइन हो चुका है मगर शुरू शुरू में ऐसी बहुत सारे एरियाज आए जहां महसूस किया गया कि इस अखबार में कुछ ऐसी चीज छप गई है जो सोसाइटी के इस तबके के लिए मुनासिब नहीं आज भी वैसे ऐसा होता है इस अखबार में कुछ बिजनेस के हवाले से ऐसी बात छप गई है जो उस सारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है अखबार जो है ये गैर जरूरी तौर पर हकूमत पे, पे तनकीद करता रहता है इस अखबार ने वजीर के बारे में कुछ ऐसी चीज रिपोर्ट कर दी है जो फाउंडेड नहीं है जो सही नहीं है और अगर सही हो भी तो उसको रिपोर्ट करना कोई इतना जरूरी नहीं था कि उसको रिपोर्ट किए बगैर अखबार की जिंदगी नहीं होती ऐसी बातें बेशुमार होना शुरू होगी और एक बात जो हम मैथ मीडिया के स्टूडेंट थे जो चीज़ हम बहुत महसूस कर सकते हैं आवाम में घूम फिर के और जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के मैथ्स मीडिया का पर्टिकुलरली प्रिंट मीडिया का जो जनरल परसेप्शन है वो बहुत अच्छा नहीं लोग ये समझते हैं कि जो जो अखबार का एरिया है इसे जरा बच के रहना चाहिए ये तो जब आप अखबार ज्वाइन करेंगे तो लेकिन अच्छा है कि इसको पहले से जान लिया जाए एक बात तो बहुत अमूमी लेवल पे कही जा सकती है जो सबके बारे में सही है अभी मैं आपको बताऊंगा कि मीडिया के बारे में ये परसेप्शन क्यों डेवलप हुआ लेकिन आप जरा बाकी एरियाज़ देख लीजिए मसले सबसे अच्छा प्रोफेशन आप किसे समझते हम कहेंगे कि जो मेडिसिन का प्रोफेशन है ये तो बड़ा नोबल प्रोफेशन है किसी इंसान की जान बचाना इससे बढ़कर यानी अल्लाह के बाद आप डॉक्टर पर छोड़ देते हैं मोलिज पे छोड़ देते हैं और आप समझते हैं कि ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं इस प्रोफेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रोफेशन को उसके इस लेवल पे रहने नहीं देते ये बहुत मुमकिन है कि आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं और आपकी अपनी स्किन की खैर ना रहे ये बहुत मुमकिन है कि आप किसी दिल के डॉक्टर के पास जाएं और बाद में दिल आपके बिल्कुल काबू में ना रहे ये बहुत मुमकिन है आए दिन के वाकत आप नोटिस करते हैं कि मेडिकल के शोबे में किस तरह से हो रहा है किस तरह से इस इंसानी हवाले को इंसान के इस दुख दर्द को बास लोग कितने बुरे तरीके से इन वेरी ब्रूटल वे दे आर मिस यूजिंग देयर नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड लूट एंड प्लंडर इन दैट सेंस इज गोइंग ऑन आप किसी और प्रोफेशन को देख लीजिए आप कंस्ट्रक्शन के एरिया में चले जाइए so और बहुत सारे एरिया हैं लाइफ के जिसमें आप देख लीजिए आप एजुकेशन अब एजुकेशन से बढ़ के क्या एक नोबल एरिया हो सकता है किसी को तालीम देना कितनी बड़ी इबादत है मगर आप खुद विटनेस है इस बात की एजुकेशन के, के, के एरिए में कि जो आए दिन अकेडमीज खुली हुई हैं, छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स गली मोहल्लों में जिस तरीके से खुले हुए हैं और जिस तरीके से हम देखते हैं कि एजुकेशन का जिनका बड़ा नाम है बहुत माजरत के साथ उनका इतना काम नहीं है जिस तरीके से वो एक्सप्लॉयट करते हैं पेरेंट्स को जरा सी क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे जिस बुरे तरीके से वो पेरेंट्स को खासतौर पे जो मिडिल क्लास के पेरेंट्स ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनके बच्चे जितना उनको उसकी कोफ्त होती है जब वहां पर कुछ ऐसी बातें होती हैं, खास हैं तरफ, हैं, तो है खासतौर पे जो फाइनेंशियल बढ़ा दिया जाती है उनके तरफ फीसर बढ़ा दिए जाते हैं बेशुमार अंदाजा होता है लोग एजुकेशन के उस काज के लिए काम नहीं कर रहे जिसके हवाले से हम जानते हैं स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे एरिया है मगर फिर सवाल पैदा होता है मेरे आपके درمیان सर मेरे आपके दरम्यान एक बात है कि फिर मास मीडिया की जो परसेप्शन है वो इतनी अच्छी क्यों नहीं वो क्या देखें अच्छी क्योंकि हम इस एरिया के लोग हैं तो हमें भी फीडबैक होता है कि लोग किस हवाले से इस मास मीडिया को देखते हैं वो क्या है परवीन शाकिर ने जो कहा बात तो सच है मगर बात है रसवाई की मैं आपके पैसे रसवाई दूसरे प्रोफेशन में भी शेयर करके बता रहा हूं कि ये सिर्फ मास मीडिया तक नहीं मास मीडिया में क्यों ज्यादा महसूस होते हैं ये कॉन्सेप्चुअल चीज है आप देखिए हमारे यहां मीडिया में एक फ्रेज बहुत यूज किया जाता है अखबार की दुनिया में न्यूज रूम्स में रेडियो टीवी पे भी एक फ्रेज बहुत कॉमन सा है अ बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज देखिये कितनी पेराडोक्सिकल सी बात है अपने अंदर कितना इख्तलाफ है इस बात का बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इट इज ट्रू बिकॉज आप अखबार के न्यूज रूम में बैठे हुए हैं आपको एक खबर मिली कि दो लोग जख्मी हो गए आपने कहा ठीक है एक इतला आई है आपके पास दो लोग जख्मी हो गए उसके बाद आपके पास इतला आई है कि फला जगह पर कोई हादसा हुआ और दो लोग मर गए अगर आपको ये दोनों खबरें अखबार में छापनी है तो आप ये देखेंगे कि जो जख्मी हो गए वो कहीं अंदर के पेज पे छोटी सी खबर होगी, और जो मर गए वो हो सकता है कि दो कॉलम में किसी बैक पेज पे या नुमाया हो अगर बैड न्यूज इस किस्म की हो कि हादसा हुआ कश्ती उलट गई और पचास लोग मर गए तो यू वुड फाइंड के वो अखबार के तीन कॉलम में ये चीज आ गई झूझ झूठ अनफॉर्चुनेट इवेंट जिसको हम बैड इंफॉर्मेशन कहेंगे बैड न्यूज कहेंगे आम आदमी के हवाले से जो जो वो बढ़ती जाती है तो तू, तू अखबार में उसका नुमाया होना बढ़ता जाता है इन अखबार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो ये समझते हैं कि उनको उसके डिस्प्ले करने का ज्यादा मौका मिलता जा रहा है सोनामी आ गया हजारों लोग मर गए अखबारों की हेड बन गई जहाज गिर गया ट समेत पता चला कि सारे लोग जो है दैरिस्ट अखबार की एक बैनर हेडलाइन सो दिस पैराडॉक्स बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज इसके बगैर न्यूज रूम का गुजारा नहीं न्यूज रूम के लोग जब काम शुरू करते हैं हर रोज इस क्या मैं कहूं अजाब कहू इंसानी हवाले से या कोई बात कहूं प्रोफैशन के हवाले से वो जब अखबार की दुनिया शुरू होती है हर रोज तो न्यूज रूम के अंदर लोग इस इंतजार में रहते हैं अखबार के छपने तक कि दुनिया के मुख्तलिफ अतराफ से कितनी बेड न्यूज आ रही है ताकि उनको एक गुड डिस्प्ले दिया जा सके इसके बगैर चारा नहीं अखबार का तो जब आप इस प्रैक्टिस में उलझ जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है अब हम अखबार की दुनिया से निकल के जब अवमी सतह पे आते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार क्या अखबार वाला अखबार पढ़ के तो बड़ी तबीयत खराब हो गई यार नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा अखबार में जो चीजें छपी हैं और जो चीजें सामने आई हैं वो तो दिल ही खराब हो गया अखबार की दुनिया इस किस्म की आपको पता चले कि बड़े बड़े अफराद जिन जिनपे आपका बहुत ट्रस्ट था बहुत एतमाद था जिनको आप बहुत हीरो समझते थे वो किसी फ्रॉड केस में पकड़े गए हैं दिन अखबार जीनत बनती रहती है जैसे बहुत बड़े खिलाड़ी आप समझते हैं कि यह तो हमारे हीरो गिर जाता जो आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है आपका उस पर बहुत ट्रस्ट है पता चलता है कि तहकीक हुई तो वह तो एक बहुत करोड़ों अरबों रुपए के गबन में इन्वॉल्व पाए गए और ऐसी बेशुमार चीजें बैड न्यूज अनफॉर्चुनेटली इज अ गुड न्यूज इस फ्रेज के हवाले से जब मीडिया जिंदगी गुजारता है तो वो जो परसेप्शन का प्रॉब्लम है वो अपनी जगह पे कायम हो जाता है ये बातें जब अखबार शुरू हुए तब भी महसूस की गई और हकूमतों ने इस चीज को महसूस करना शुरू किया कि बैड न्यूज की आड़ में कुछ लोग ज्यादा लिबर्टी ले रहे हैं और वो ये देखते हुए कि अवाम में बैड न्यूज की अमूमी दिलचस्पी का एलिमेंट ज्यादा होता है तभी तो उसको ज्यादा मिलता है अखबार को पता है अखबार को अपनी फीडबैक से पता है कि ज्यादा डिस्प्ले जिस चीज का होगा तोहरा एक बैड न्यूज का जितनी ज्यादा वह बुरी तो बाज़ात जानबूझ के भी अखबार के अंदर लोगों ने उतनी उसके अंदर वो एलिमेंट ऑफ बैडनेस नहीं था जितना उसको बहुत ज्यादा फैला दिया गया इससे फिर जो लोग थे सोसाइटी में खास खासतौर तो पे जो हुकूमतें थी वो हर्ट होना शुरू हो गई एक अजीब सा कम्बिनेशन है कि जब अखबार का वजूद आना शुरू हुआ आज से तीन चार सौ साल पहले तो उस वक्त दुनिया भर में कोई जमहूरियत का और आजादी राय का और इस किस्म की कैंपेन्स नहीं थी ज्यादातर मुल्कों में हमें सख्त जाबिर डिकटेटर किस्म के रूलर्स मिलते हैं बादशाहते मिलती हैं उस दौर में यूरोप में भी और अमेरिका तो वैसी कॉलोनी था यूके की और आपको दुनिया के बाकी मुल्कों में भी ऐसे मिलेंगे बादशाहत होमराना निजाम हो और वहां इजहारे राय हो रहा हो आजादी के साथ नामुमकिन अहले हकम को ऐसी बातें बहुत गवारा नहीं होती सर झूठ अपनी जगह जो अखबारों में छपता है मगर उन्हें यह गवार नहीं कि हुमत के बारे में कोई बात कही गई अच्छा फिर अखबारात में कोई सोसाइटी के बारे में भी चीजें छपनी शुरू हो गई जैसे हमने कहा कि कुछ लोगों ने जाती के हवाले से भी कुछ कहना लिखना शुरू कर, कर दिया ये बात इतनी बढ़ गई कि एक प्रेशर बिल्ट होना शुरू हो गया हर तरफ से न्यूज मीडिया प्रिंट मीडिया उस वक्त तो प्रिंट मीडिया के हवाले से शुड बी चेंज इसको कोई जंजीर पहनाई चाहिए इसको किसी तरीके से कुछ कवानी के जुमरे में लाया जाए वरना तो ये शतरे बेमुहार ये तो हर किसी को रोंते चले जाएंगे और ये इतना पावरफुल होता चला जाएगा कि कोई इससे बच नहीं सकेगा ये जब एहसास पैदा होना शुरू होगा स्टूडेंट्स तो ये फीलिंग बड़ी स्ट्रांग होनी शुरू हो गई सोसाइटी में भी और जाहिर गवर्नमेंट लेवल पर भी ये बात महसूस की गई कि अब प्रिंट मीडिया के लिए कुछ कवानीन का सिलसिला होना चाहिए इसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई दुनिया में जब इस चीज का इजहार हुआ शुरू शुरू में कि भाई प्रेस को थोड़ा सा रेगुलेट किया जाना चाहिए थ्रू लेजिस्लेशन और कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि प्रेस अपने आप को कोई बेशुमार आजाद ना समझे तो बात शुरू हुई कि कुछ कवानी बनाई जाए और ये इस, इस बहस का कोई अंत नहीं था आज भी कुछ लोग ये समझते हैं कि प्रेस के ऊपर कवानीन क्यों है और ये फलां कानून क्यों बन गया और शुरू से है एक टग ऑफ वॉर है बिटवीन द मीडिया पीपल एंड द गवर्मेंट जो चाहते हैं कि उसको करें वो क्या कुछ कहा जब ऐसी पाबंदियां लगती हैं तो जो फैज की एक लाइन है बड़ी मशहूर हुई हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे हम इन पाबंदियों को नहीं मानेंगे हम इजहारे राय पर आजादी इजहार राय पर कोई पाबंदी कबूल नहीं करेंगे ये पूरी दुनिया में एक ट्रग ऑफ वॉर हुई क्या इसने सूरत इख्तियार की इसका हम थोड़ा सा अभी एक जायजा लेते हैं पहले पहल जब अखबार का वजूद आया स्टूडेंट्स तो उस जमाने में चर्च का हम चूंकि यूरोप के हवाले से बात करते हैं तो चर्च का एक बहुत अमल दखल था अमूमी जिंदगी में मजहब के हवाले से उनकी डोमिनेंस भी थी किताबें भी उन्हीं के पास होती थी अखबार तो थे ही नहीं तो चर्च था वो उसने इसको पसंद नहीं किया शुरू शुरू में चर्च ने कहा कि जितने भी प्रिंटिंग प्रेस है इनको बंद कर दिया जाए फिर एक डिबेट शुरू हुई कि इनको बंद करना अगर मुमकिन नहीं है तो इनको लाइसेंस दिया जाए शख्स जो प्रिंटिंग प्रेस लगाना चाहे वो पहले इजाजत हासिल करें शुरू शुरू में तो चर्च सही होता था बाद में फिर यह गवर्नमेंट के पास आ गया आज भी ये कानून कायम है कि आप प्रिंटिंग प्रेस आजादाना तौर पर नहीं लगा सकते कि आप बाजार से जाके प्रिंटिंग प्रेस ले आए और लगा लें और चीजें छापने शुरू कर दें ऐसा आज भी नहीं दुनिया के तकरीबन तकरीबन सारे मामालिक में मुझे कोई एक्सेप्शन नजर नहीं आती दुनिया के तकरीबन सारे ममालिक में यह कानून है कि आपने मतबा लगाना है छापाखाना लगाना है प्रिंटिंग प्रेस आप पहले अपनी गवर्नमेंट से इजाजत लें हुकूमत को पता होना चाहिए कि ये प्रिंटिंग प्रेस किस जगह पर लगा हुआ है और जो भी आप छापें उसकी एक कापी हुकूमत के एक मुतल शोबे के हवाले भी करें ताकि हुकूमत को पता हो कि आप क्या छाप रहे डायरेक्ट ये कानून आज भी अपनी जगह पे कायम है सो द न्यूज मीडिया और से द प्रिंट मीडिया इज लिविंग विद दिस लॉज शुरू शुरू में जब जिक्र हुआ था कि 1690 में अमेरिका में जो पेपर निकला क्या नाम था उसका दो तीन दफा उसका जिक्र हो चुका है पब्लिक अकरेंटीन 1690 में निकला ये एक ही दिन निकला यह ऐलान हुआ कि अखबार निकलेगा इसकी थोड़ी सी मशहूरी भी हुई फिर ये एक दिन निकला एक दिन निकला एक ही सफा था उसके ऊपर कुछ खबर किस्म की चीज थी बस अगले दिन वो बंद हो गया यूके यूएसए अमेरिका जो है इट वॉज अंडर कॉलोनियल रूल राज के अंडर था यूके के अंडर जैसा आप जानते ही बस वो पहले दिन जब छपा तो चूंकि मशहूर हो चुका था कि आज छपना है तो पहले हुकूमत ने भी उसको देख लिया उसमें हुकूमत के बारे में कुछ कमेंट्स थे बस उसी दिन बंद हो गए फिर वो उसके पंद्रह साल के बाद दोबारा से निकला इसी नाम से वहीं से उसी मकाम से मगर जाहिर है बहुत सारी गारंटीज देखे कि आइंदा हम बहुत मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे तो अखबारत पे जो कदखन का आलम था ये शुरू ही से यह बहस शुरू हो गई थी कि अखबार को किस जगह पे होना चाहिए प्रेस लॉज का जो मामला था ये तो बहुत शुरू से ही हो गया था चौदह सौ छियानवे देखिये चौदह सौ पचास के लगभग तो प्रिंटिंग प्रेस आए थे और चौदह सौ छियानवे में पोप अलेगजेंडर द सिक्स जो थे उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि आप बगैर लाइसेंस के कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं लग सकेगा क्योंकि उस वर्च की सुनी जाती थी ऐसा होता था फिर क्या हुआ कि 1501 में एक बिल पास हुआ कि जो अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग प्रेसेस उनको बंद कर दिया जाए 1524 से लेकर 1548 तक जर्मनी में जो पार्लियामेंट थी क्या उसे कहते हैं डाइट डे डाइट भी कहती डाइट ने ये लॉ पास किया जर्मनी की पार्लियामेंट ने और फ्रांस में भी कि ये प्रिंटिंग प्रेस जितने भी है इनको रेगुलेट किया जाए फ्रांस में तो यह हुआ उन्होंने कहा कि कुछ प्रिंटिंग प्रेस को इजाजत दी जाए बाकी पूरे मुल्क में बैन कर दिया जाए बस जो कुछ भी छपना है वो इन मखसूस प्रिंटिंग प्रेस से छपना उसके बाद जाहिर ही पब्लिकेशन का सिलसिला भी चलता रहा तो यूके में सोलहवीं सदी के तकरीबन बस में सेंसरशिप इंट्रोड्यूस करवाई गई आपका ठीक है भले से आपका जो प्रिंटिंग प्रेस है वो है मगर फिर भी जो चीजें छप रही हैं उसको सेंसर के पास जाना चाहिए पहले सेंसर उसको देखेगा सेंसर बोर्ड या सेंसर कमेटी जो भी आप कह लें उसको देखेंगे और फिर वो इजाजत देंगे कि हाँ ये चीज आप छाप लीजिए इसको आप रहने दीजिए ऑबियसली जो चीजें हकूमत के हवाले से थी उनकी ये खाश होती थी कि इसको जो है आप ना छापे इसको इसको रहने दें और बाकी अगर कोई क्राइम की बात है अगर कोई अवामी दिलचस्पी की बात है तो उसको मान लिया मगर ऐसा नहीं कि सारी सारे जगह पे कदगन लग रहे थे ऐसा नहीं हुआ देव एरिया गवर्नमेंट्सिंग सॉर्ट ऑफ फ्रीडम शुड ऑल्सो बी गिवन टू द मीडिया पीपल फॉर इंस्टेंस इन स्वीडन इन सेवनटीन सिक्सटी सिक्स एक एक्ट बना फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू द एरिया फ्रॉम वेयर यू कैन ओबेन इंफॉर्मेशन स्वीडन वहां पर यह चीज ये सेंस परिवेल की कि ये अगर लोगों को इंफॉर्मेशन तक एक्सेस दे दी जाए अखबार के लोगों को तो ये इट वुड उनसे बात छुपाई जाए और वो फिर अपने तरीकों से उस बात को हासिल करें और फिर उसको वो एक खास एंगल दें फिर जिससे ज्यादा बिगाड़ पैदा हो मोर डिस्टोरशन वेक प्लेस इफ पीपल आर नॉट अलाउड टू गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इट वॉज फर्स्ट फेल्ट इन स्वीडन तो उसके बाद फिर एक और बहस शुरू हो गई कि बाज जगहों पे तो आपको अलाउ कर दिया गया और बाज जगहों पे आपने ये नोटिस किया कि अलाउ नहीं कर रहे इवन यूरोप के अंदर यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर एक जगह पे तो आपको इजाजत है और एक जगह पे आपके ऊपर इतनी ज्यादा पाबंदियां عائد कर दी गई और अमेरिका में तो बहुत पाबंदियां उस वक्त लगाई क्योंकि अमेरिका कॉलोनी था और इंडिपेंडेंट एक डेमोक्रेटिक स्टेट अभी अमेरिका नहीं बना था जब अखबारा ग्रो कर रहे थे और शेप अप हो रहे थे एज प्रिंट मीडिया जिसे हम कहते हैं एज मैस कम्युनिकेशन की फॉर्म में अभी अपने आपको देवर रिज्यूमिंग इन दैट शेप उस वक्त के जो हालात थे कहीं पे पाबंदियां जो थी वो सख्ती से लग रही थी कहीं पे किसी और फॉर्म में लग रही थी चलते चलते ही, सारा 19वीं सदी तक जो थे मुख्तलिफ कवान के हवाले से बात होती रही बात चलती रही उसके बाद फिर दुनिया भर में ये वेव चली के जो इंफॉर्मेशन तक जो एक्सेस है वो सबको हासिल होनी चाहिए इसके ऊपर स्टूडेंट इस वक्त दुनिया के सत्तर ममालिक आज तक बात तक पहुंच चुकी है मुख्तलि कवानीन से होते हुए और एक स्ट्रगल के होते हुए जहां तक पहुंच चुकी के सेवेंटी ममालिक दुनिया के ऐसे हैं जो इस एग्रीमेंट के ऊपर सिक्रेटरी है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये उन मुल्कों में हासिल होनी चाहिए अब उसका तरीका यह है कि आप अप्लाई करते हैं कि आपको ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए और आपको वो कुछ दिनों में हर मुल्क ने अपना अपना एक टाइम फ्रेम फिक्स कर लिया है उसके हवाले से वो आना शुरू हो गया जैसे हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 1982 में ये वाला एक्ट जो था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ये वहां पर बन गया उसके बाद जो डिफरेंट स्टेट उन्होंने बना लिया फिर कैनेडा में इसकी मूवमेंट शुरू हुई कैनेडा के बाद हमने देखा कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन यूनियन में 2001 में क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट तो आपको पता है कि जो यूरोपियन यूनियन की जो सारे यूरोपियन ममालिक मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि एक ही निज़ामत उनका बन जाए बहुत सारे सिस्टम्स उनके आपस में मिलके एक ही शक्ल इख्तियार कर लें यूरोपियन यूनियन के अंदर जो ऐसी बातें हो रही उसमें हम ये देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन में दो में ये बिल आया सामने कि एक इस किस्म का फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से उनको भी ये चीज हासिल हो और 2001 में उसको उन्होंने एक रेगुलर यूरोपियन पार्लियामेंट की शक्ल ले दी एक साल की उन्होंने उसके ऊपर डिबेट की हमने ये देखा कि वहां पर ये चीज उनको हासिल होगी पाकिस्तान में भी तकरीबन 2002 में इस तरह का एक्ट जो है वो सामने आया और उसके ऊपर लेजिस्लेशन हो गया और आज पाकिस्तान में भी ये पूरी तरह العمل है कोई भी शख्स अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहे किसी भी महकमे वो एक्सेस कर सकता है क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अब उस एक्ट के तहत उन सारे 70 ममालिक्स में जिन्होंने उस पर साइन किए थे उस एग्रीमेंट पे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का वो सारे जो हैं, वो अपने अपने मुल्कों में इसके ऊपर कवानी बना रहे हैं और उन कवानी के बनने के साथ ही जो इंफॉर्मेशन तक जो अप्रोच है लोगों का वो तकरीबन आप ये समझिएगा मुमकिन हो गया है इसमें कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ये थे कि अगर इन्फॉर्मेशन को आप रोकेंगे ये बात हुकूमतों की सतह पे महसूस की गई कि मीडिया ने इतनी स्ट्रांग शेप इख्तियार कर ली है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन को रोकेंगे तो कुछ लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे हो सकता है कि उसमें उनको सही इन्फॉर्मेशन ना मिले कुछ लोग दरम्यान में जिनको गेट कहा जाता है वो उस इंफॉर्मेशन को बिगाड़ के उसकी ये शक्ल पेश करें और उससे फिर हुतों को या सोसाइटी को ज्यादा नुकसान हो तो उस नुकसान से बचने के लिए ये अप्रोच है कि आप सही इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर दें इसमें और भी बहुत सारे अवामल इसमें कोई हकूमतों की बहुत नक ख्वाहिशात भी नहीं शामिल यह मीडिया के लोग इस तरह आजादी से ये वाली बात कर सकते हैं इसमें यह चीज भी शामिल है कि जो ग्रेजुअली जो एटमॉस्फेयर था पूरी दुनिया में वो भी से और कॉलोनियल पीरियड से बदल के जमहूरियत की तरफ जाना शुरू हो गया डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ जाना शुरू हो गया अवी सत्ता पे और हुती सत्ता पे ये कॉन्सेप्ट होने शुरू हो गई कि अल्टीमेटली ये हकूत का निजाम भी कुछ चंद अफराद को खुश करने के लिए या उनको उनको तकवीयत देने के लिए नहीं अगरचे इस पे भी बहस है मगर ये म के लिए है जमहूर के लिए है मीन पीपल ये अवाम के लिए है तो जमहूरियत इसका नाम ये वाली कॉन्सेप्ट भी साथ साथ चलती रही और उन कॉन्सेप्ट के हवाले से भी उसके असर मीडिया पर आते रहे और मीडिया फ्रीडम की जो बातें होती रही सिर्फ मीडिया ही की स्ट्रगल इसमें नहीं अगरचे मीडिया, मीडिया के बहुत स्ट्रगल है मीडिया के बहुत सारे लोगों ने जेलें देखी है बहुत सारे लोगों ने तो इससे भी सख्त सजाएं पाई हैं जब आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कौन कौन सी सजाएं पाई इसके हसूल के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लेकिन सोसाइटी की बहुत सारी तंजीमें जो थी बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज एरिया थे और चूंकि डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट भी डेवेलप होती रही नमीन था तो उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया और फिर उसके नतीजे में ऐसी चीजें सामने आई कि जो इंफॉर्मेशन तक आपकी जो रसाई है जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इस, इस तक कैसे पहुंचा जाए और इस तक लोगों को पहुंचने में कुछ आसानी पैदा की जाए जल्दी से हम देखते हैं कि इस मरले तक पहुंचने से पहले पहले कुछ ऐसे कवानी जो थे वो उसका वजूद आया हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेजों के हवाले से अंग्रेजों के जमाने में अखबार का यहाँ पे वजूद आया था तो उन्नीसवीं सदी में आया तो अठारवी सदी के आखिर में था मगर उन्नीसवीं सदी में वही वाली फीलिंग यहाँ पे भी आ गई कि अखबार तो लिखना शुरू हो गई और एक परसेप्शन बनती है हुकूमत के खिलाफ तो क्या किया जाए अठारह तो सौ में आपके पास रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एंड न्यूज एक्ट अंग्रेजों ने यहाँ पे नाफिज कर दिया उसका मतलब था कि हर वो चीज जो आप छाप रहे हैं हर वो चीज जो आप बना रहे हैं वो हकूमत के इल्म में होनी चाहिए इसमें एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का जो था वो पोस्ट ऑफिस एक्ट अठारह में उन्होंने बनाया कि पोस्ट ऑफिस से जो चीज भेजी जा रही है उसको भी हुकूमत चेक कर सकती है कि आप क्या भेज रहे हैं इस लिफाफे में जो लिखकर आप भेज रहे हैं ये क्या भेज रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अखबार जो थे वो फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए डिलीवर होना शुरू हो गए थे तो उनको उन्होंने सोचा कि यहाँ पे भी ये लगा दें और उसके नुकसान में आम आदमी भी शामिल हो गया कि किसी का भी खत खोल के अब देखा जा सकता है कि इसमें क्या लिखा है ये वाली सूरत हाल भी जो जहनी कोफ्त का बायस बन सकती है ये भी अखबार ने बर्दाश्त किया फिर प्रेस्ट एमरजेंसी पार एक्ट नाइनटीन थर्टी वन अब नाइनटीन थर्टी वन को आप जेहन में रखिए कि ये वो वक्त है जब पूरे बरसर में आजादी की लहरें चल रही आजादी की मूवमेंट हो रही है लोग अंग्रेजों को भगाने की सोच रहे हैं कि अंग्रेजों को यहां से किस तरीके से भगाया जाए खिलाफ मूवमेंट जो है अभी अभी खत्म हुई है कायदे आजम ने अपने चौदह निकात पेश कर दिए हैं नेहरू रिपोर्ट आ चुकी है और पूरे मुल्क में एक एहसास है सब कॉन्टिनेंट में कि अब वक्त आ गया है कि अंग्रेजों को यहां से मार भगाया जाए और उनसे कहा जाए कि अब आप जहां से आए थे वहां आप वाप वापिस चले जाइए मगर अंग्रेजों का अभी होल्ड मौजूद था अभी उन्होंने कुछ ऐसा निजाम बना लिया हुआ था जैसे पूरी कॉलोनियल ये कोई सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं दुनिया के और भी बहुत सारे ममालिक में अंग्रेजों ने बड़ी कामयाबी से इस तरह अपने पंजे गाड़े हुए घर से उनके रिट्रीट शुरू हो चुका हुआ था, हमारे यहां अभी उनका एक होल्ड था तो जैसे बात हो रही थी कि उन्नीस में उन्होंने देखा कि अखबार बड़ा जोर पकड़ रहे हैं और अखबार उस जो अवामी तहरीक है उसको बड़ी जबान दे रहे हैं अखबारात के हवाले से तो उन्होंने सोचा इसको पकड़ा जाए तो प्रेस इमरजेंसी पार एक्ट 1931 आ गया है उसके बाद और भी आते रहे फिर फॉरेन रिलेशंस 1932 का एक्ट आ गया ये हम देख रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री में क्या चीज है स्टेट प्रोटेक्शन एक्ट 1934 के हवाले से तो बहुत ज्यादा उन्होंने ज़्यादती का वसूल उन्होंने किया। लेकिन जो बात सच है वो बैन उल्सतूर है यहां इस चीज का इजहार भी है स्टूडेंट कि जब आजादी हो गए, आजादी के बाद भी वो क्या है कि इनको हम कहते थे ड्रैकोनियन लॉज मीडिया के लोग हैं कि ये बड़े खौफनाक काले कवानी हैं और इनका खत्म होना जरूरी है अब आजादी मिल गई अब हम अपने ही मुल्क की बात करते हैं एक बड़ा नोटोरियस किस्म का एक्ट रहा प्रेस के हवाले से बाद में भी हकूमतों ने देखा कि बनी बनाई जो चीजें मिल गई उनको कायम रखा जाए नाइनटीन का प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट इसके खिलाफ फिर पाकिस्तान में बेशुमार तहरीकें शुरू हुई 1963 में हार वो ये बिल्कुल वैसे ही था जो सारे अंग्रेजों के काले गवानी था उसका एक नचोड़ आप समझ लीजिए जो यहाँ पर नाफिज कर दिया गया हकूमतें इतना इस मामले में डरती थी उस जमाने में चूंकि डेमोक्रेसी की इतनी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं थी तो उनको ये खतरा था कि अखबार कहीं इस हवाले से लोगों के अंदर ये तहरीक ना पैदा कर दें कि वह के खिलाफ उठ खड़े हो हालांकि ऐसा नहीं है जब तक अवाम के अंदर अपनी एक तहरीक नहीं बनती अखबार तो सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि हाउ द पीपल आर थिंकिंग मे बी थोड़ा सा उसको वो एक्सेलरेट करने में रोल प्ले करें लेकिन जब तक अवमी सतह पर और सोसाइटी की तनजीमें इस तरह से नहीं सोचे ऐसा हो नहीं पाता सिर्फ अखबार के अंदर इतनी इतनी कुत नहीं होती कि वो कर सकें और छोटे ममालिक में, में तो ऐसा और यूं कह लीजिए कि जो रिलेटिवली वीकर कंट्रीज थे फाइनेंशियली जो वीक कंट्रीज थे वहां पे ऐसा मुमकिन नहीं था मगर हुतें जरा सी भी गुंजाइश देने को तैयार नहीं थी इस मामले में तो 1963 का जो एक्ट था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर इस सेंस में हुआ स्टूडेंट्स के उसके हवाले से बहुत पाबंदियां लगी लोगों को फिर जेलों की उूत भी बर्दाश्त करना पड़ी क्वाइट ऑफ यू पीपल और इसके अलावा सेंसरशिप लगा दी जाती थी जब भी हकुमत की दिल में आया कि फिलहाल अखबार ने जो खबर छापी वो ठीक नहीं सेंसर लगाया फिर क्या? प्रेस एडवाइस भेज दी जाती थी कि भाई देखिए आज ये वाकया हुआ है लेकिन देखिए आप एहतियात कीजिए यह खबर अखबार में नहीं आनी चाहिए इसको कहते थे प्रेस एडवाइस बड़े मुलायम से लफ्स में

तो ऐसा बहुत असर रहा फिर 1973 के जब कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में बना तो इसमें और ये सारी दुनिया में जहां जहां पर भी ये इस तरह की चीजें है वहां पर आर्टिकल नाइनटीन ही इसको रेफर किया जाता है कि वहां पर बने लेकिन इसके साथ ही साथ स्टूडेंट जो बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए सिर्फ कवानीन ही की बात नहीं थी मीडिया ने भी अपने लिए एक कोड बनाना शुरू कर दिया कि मीडिया का भी ये फर्ज है कि वो कोड बनाए तो मीडिया कोड और मीडिया एथिक्स के हवाले से भी बहुत ज्यादा डिबेट होना शुरू हो गई और वो लोग जो अपने अंदर से बुरे लोगों को निकालना चाहते हैं अपनी सफों में से क्योंकि देखे ना कुछ चंद बुरे लोग जैसे हमने मीडिया परसेप्शन की बात की थी इसमें बहुत कम लोग हैं अगर आप परसेंटेज निकालें तो फाइव टेन परसेंट से ज्यादा नहीं है जो अखबार का मिस यूज करते हैं जो अखबार को जती मकास के लिए खबरों को फैला के एग्जेजरेट करके करते हैं बहुत ज्यादा लोग अखबार को एक प्रोफेशन समझ के बिल्कुल जिस तरह उसकी एक प्रोफेशनल अप्रोच है जिस तरह मेडिसन में है जिस तरह और एरियाज में है लोग करते हैं मगर बहुत थोड़े लोग प्रोफेशन का नाम खराब करते हैं बिल्कुल इसी तरह मीडिया के अंदर भी ऐसे लोग थे जो मीडिया का गलत यूज करते थे और फिर उस परसेप्शन को और बढ़ाते थे जो मीडिया के बारे में ऑलरेडी पाई जाती है कि बैड न्यूज इज ए गुड न्यूज उस हवाले से क्या करें ऐसा है तो फिर मीडिया ने एक कोड ऑफ एथिक्स डेवेलप किया पूरी दुनिया में इसकी कैंपेन चाहिए और पूरी दुनिया के हवाले से ये बना मीडिया के अंदर इस हवाले से एक जब कोड बना इसका जिक्र जो है हम अपने आने वाली सीटिंग में इसको कंटिन्यू करते हुए करेंगे और बातें भी इसके अलावा होंगी और अब जो है हमारे पास वक्त है कि हम एक और टर्म जो है उसका जिक्र कर सकें लास्ट टाइम बात कर रहे थे चैप बुक्स का जब किताबें बहुत महंगी हो गई और महसूस हुआ किताबें तो बहुत महंगी हो गई क्या किया जाए तो फिर पेपर बैग पे किताबें छपनी शुरू हुई तो चैप बुक की टर्म जो थी ये बड़ी पॉपुलर हो गई नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट टर्म है आपके साथ जो शेयर हम करेंगे आज वह है चेक बुक जर्नलिज्म बिल्कुल जो आज के लेक्चर में हमने बातें की आपके साथ जो शेयर चेक बुक जर्नलिज्म रेफर्स वेयर रिपोर्टर्स फ्रॉम मीडिया दे स्पेंड सम मनी टू गेट टू सम इंफॉर्मेशन देर आर इंफॉर्मेशन व्हिच आर सो सीक्रेट दैट दे आर नॉट यू हैव यू डोंट हैव एन एक्सेस टू दोज इंफॉर्मेशन बट इफ यू स्पेंड सम मनी इफ यू पे सम मनी यू कैन हैव एक्सेस टू दोज information number one and secondly some people are not willing to come for interview they ask for money you pay some money to their people and then they are ready to talk to you publicly so this type of uh, journalism where you spend some money and obtain information is referred to as checkbook journalism अगली दफा अगले टॉपिक के साथ फिर हम यहाँ हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ठीक है खुदा हाफिज